नमस्कार। गोपाल प्रसाद व्यास जी की लिखी बहुत खूबसूरत कविता खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है, पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंधी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी उनकी रक्तिम काया। आ जान बाहों ऊंची करके वे बोले खून मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। मच गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना लहू गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खूंसे अपने इतिहास नया। जब लिखा था रणवीरों ने खूंसे अपने इतिहास नया।